फाइनली मेरा दुकान का ओपनिंग हो गया, लेकिन क्या ओपनिंग करते ही मेरा दुकान चलने लगा या फिर मैंने पहला ही दिन कितना का सेल किया। ऊपर से इस दुकान को रेडी करने में हमने दिन रात एक कर दिया, क्योंकि पहले कैसा था और इसको कैसे से कैसा बनाया सभी चीजें आप लोगों को पता ही है। तो चलो आज की ये ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा फ्रेश होकर बाहर की ओर निकलता हूं, तो छोटा भाई कहता है कि भैया आपको तो दुकान में जाना है ना, तो बाइक निकाल लो। देन हम दोनों ने मिलकर बाइक निकाला, तो ये रहा मेरा बाइक और ये रहा छोटा भाई का, जिसे अभी ऐसे रहने देते। फिर मैं अपना बैग निकाल के माइक सारा चीजें डाल लेता हूँ और कांची और बाबू को बाय बाय करके सीधा दुकान की ओर निकल जाता हूँ, क्योंकि अब इसको और थोड़ा सा सजाना है। वैसे ठीक ठाक सज चुका है, बट पीछे की तरफ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो रात तक मैं कुछ करें। इधर तो हम लोगों ने पूरी तरीके से हैंगिंग कर दिया है, यहाँ पे डमी वगैरह को भी काफी अच्छी तरीके से हम लोगों ने सजा लिया है। प्लस बात करें हमारी ग्लास की, तो देखो हम लोगों ने कितना अच्छी तरीके से सजाया है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरीके से सज चुका है हमारा ग्लास। यहाँ पे आप लोगों को पैंट फ्रॉक कोट पैंट सारा चीजें देखने को मिल रहा होगा, और सारा का सारा रंगी बिरंगी देख के तो काफी मजा आ रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने ना कुछ नया नया आइटम भी मंगाया है, मतलब कि हमारे पास ना ये हैंगिंग करने वाला ये ग्लास में चिपकाने वाला खत्म हो चुका था, तो हम लोगों ने ये भी आइटम मंगाया है। प्लस यहाँ पे कौन सा थारे अभी अभी जो मंगाया था हम लोगों ने, यहाँ पे ये वाला भी खत्म हो चुका है, अभी अभी हम लोगों ने हैंगिंग कर दिया। और ये वाला तो छोटा वाला है, बट तीन पीस आता है। यहाँ पर आप लोग देखो ये सब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये सब अभी अभी हम लोगों ने रिसेंटली मंगा के यहाँ पर चिपकाया है, तो काफी अच्छा भी दिख रहा है। प्लस बात करें मेरी माल की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा माल, मतलब माल कहने से थोड़ा अलग सुनता है ना, लेकिन माल ही समझो अभी। ओके, जितना भी कपड़ा है, तो अभी मैंने ओपनिंग के लिए इतना ही कपड़ा लाया है, बस ओपनिंग होने के तुरंत बाद में और भी कपड़ा घुसाऊंगा इसमें, क्योंकि और कपड़ा ना मेरा आ रहा है, ज्यादा नहीं, बस ओपनिंग होने के एक हफ्ते बाद तो मैं इसमें पूरी तरीके से माल ही माल भर दूंगा, मतलब माल ही माल, समझ रहे हो। लेकिन अभी के लिए इसको अच्छे तरीके से सजाना बनता है, क्योंकि सुबह ओपनिंग है, तो मैंने सोचा है कि इस वाली वॉल पे ग्रास या वॉलपेपर चिपकाते हैं, जो कि वॉलपेपर चिपकाने वाले लोग भी आ चुके हैं। खैर अब मुझे वॉलपेपर लेने जाना होगा। तो जैसे मैं वापस घर आया, तो मेरी छोटी बहन बाबू के साथ खेल रही थी, तो मेरी कांची फूल में पानी डाल के पाइप समटा रही थी। आज मैं मेरी बहन ने भी खाना खाने बुलाया था, तो जल्दी जल्दी मैंने थार निकाला और इनको भी रेडी होने को कहा, क्योंकि बहन के घर खाना खा के मुझे वॉलपेपर लेने जाना है। लेकिन कांची कहने लगी कि जाओ तुम पहले अपना काम निपटा के आओ, उसके बाद बहन के घर चलते। तो अब मैं आ चुका हूँ वॉलपेपर लेने, और मुझे ये ऊपर वाला व्हाइट कलर का काफी अच्छा लगा था, पर ये स्टॉक में नहीं था, और ये ब्लैक वाला स्टॉक में था, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो नीचे वाला भी थोड़ा थोड़ा पसंद आया था, पर ये भी नहीं था। फिर आखिर में जाके ग्रास ही ले लिया, जिसको जैसे ही दुकान में छोड़ दिया, तो भैया अपना ग्रास एकदम धमाधम लगाना शुरू कर दिया। चलो अब इधर काम चल रहा है, तो घर में चल के ड्रेस व्रेस चेंज करके बहन के घर चलते। एंड अभी हम दोनों ही रेडी होके अपने घर से निकल चुके हैं, यानी कि अब हम लोग जा रहे हैं अपनी छोटी बहन के घर में, यानी कि इसकी बुआ के घर में। ये देखो, इसीलिए ये काफी ज्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि इसको अपना पार्टनर मिलने वाला है। ओ हो, देखो 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 कितना खुश हो रहा है। कांची को कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आज पहली बार जा रही हूँ। हाँ, हम लोग कभी भी नहीं, मैं तो गया हूँ, मैं एक बार गया था और दो तीन बार गया था, उनका पुराने घर में भी गया था, उनका नया घर में भी गया था, बट ये फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट जा रही है, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो आ जा, इसको लग रहा है कि हम लोग बाइक में जाएंगे। ओके, इसीलिए भुर भुर कर रहा है। तो अभी हम लोग अपना थार में जाएंगे, ये देखो अपना थार रेडी हो चुका है। चलो आप चलते हैं, क्या कुछ होता है, मतलब उन लोगों ने हम लोगों को खाना खिलाने के लिए बुलाया है, तो भाई खाना में क्या क्या होता है, चलो खाते एकदम पेट दबा। हमारे साथ साथ छोटा भाई भी जा रहा है, जिसको दुकान में छोड़ देंगे, क्योंकि दुकान में काफी सारा काम है, तो आज रातों रात हमें उसका लुक चेंज करना है। खैर फाइनली हम इनके घर में आ चुके हैं, तो हमने जो कुछ भी मिठाई उठा लाया था उसको कांची ने बहन को दे दिया, तो मैं जमाई बाबू के पीछे पीछे चलने लगा। चलो फाइनली हम लोग अपनी बहन के घर में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको अपना पार्टनर मिल गया। ये पार्टनर उतना बोलता नहीं है, बस एकदम चुपचाप रहता है। ये देखो ना, मुझे देख के डर रहा है ये। आ जाओ बेटा। देखो कितना ज्यादा डरता है, रो देगा वो। स्टार्ट हो गया इसका रोना, स्टार्ट हो गया। लेकिन ये बहुत शरारती है। चला अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं। बहुत गर्मी है भाई, पूरा पंजाब का गर्मी। जब मैं पंजाब गया था ना, तो उसी तरीके का गर्मी था भाई, बहुत ज्यादा। अब से तो मतलब हमारा आसाम का क्लाइमेट ऐसे होता है, मतलब थोड़ा सा बदलता है, मतलब कभी कुछ भी पता नहीं रहता है, कभी बदलता है कभी नहीं बदलता है, अचानक बारिश भी आ सकता है। तो चलो इधर हमारा पानी, फल फ्रूट नहीं, सॉरी मिठाई आ चुका है। ओके चलो अब पानी पी लेते हैं। ये रहा पानी, स्प्राइट है। अच्छा स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक दिया हमको। ओके खातिरदारी बड़ी अच्छी हो रही है। मिठाई उठाई खा के कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पी के बारी आया खाना खाने का, और खाने में जो आइटम था ना भैया, चलो दिखाते हैं। ये रहा राइस, ये रहा फिश, मूरी घंटा, मटन, जो दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तो साथ में पापड़ सलाद अचार विचार सब कुछ। तो हमारे जमाई बाबू और मैं मिलकर धमाधम खाने लगे, तो बारी आया महिला पार्टी का, जो खाने से ज्यादा गप्पे लड़ा रहे थे, और गप्पे लड़ाते लड़ाते इन लोगों ने भी खाना खा लिया। चलो फाइनली हमारा जाने का टाइम हो चुका है, तो सभी लोग हमें विदाई करने के लिए आ चुके इस तरीके से।
भगवान से जल्दी से बैठ। इधर हमारा बाबू, ये देखो लीजा के साथ एकदम हाँ बैठेगा, जाएगा इसी के साथ। ये देखो कितना कितना खुश हो रहा है अपने बुआ के घर में आके। देखो अब चलो भाई, हम लोगों ने खाना वाना सब कुछ खा लिया है, तो अब मैं आप लोगों को मेरा दुकान का सीन दिखाता हूँ कि मेरी दुकान में अभी क्या क्या चल रहा है। तो इधर देखो हमारे भांजे, भांजे ओहो, ये तो पूरा चुपचाप रहते हैं, मेरे को देखते ही पूरा डर जाते हैं। हाँ क्या बात है, हाँ वो देखो। चलो सभी को बाय बाय करते हैं अभी और चलते हैं अपने दुकान की ओर। चलो बाय बाय। और अब फाइनली हम अपने दुकान में आ चुके हैं एंड बाबू और कांची तो पहली बार अपनी दुकान में आए हैं, तो ये लोग घूम घूम के अच्छी तरीके से देख रहे हैं एंड देखो लगभग हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, यानी कि ग्रास भी काफी अच्छी तरीके से लग चुका है, तो इधर सभी लोग मिलकर डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि हमारा दुकान काफी अच्छा दिखे। मतलब बाकी ये तो ओपनिंग डेकोरेशन की, तो आप डेकोरेशन होना भी शुरू हो चुका है, जो कि ये भाई काफी अच्छी तरीके से धमाधम बलून फुला के डेकोरेशन कर रहे हैं। तो आप चलो इंतजार है तो कल की, अभी के लिए अपना घर चलते हैं। गाइस आज ही मेरा दुकान का ओपनिंग, तो कुछ मैं इस तरीके से रेडी होके निकल चुका हूँ। यहाँ पर मैंने पहना है कुर्ता, अब इसे कुर्ता ही कहते हैं क्या कहते हैं मुझे कुछ भी पता नहीं है, बट जो भी हो यार हम लोग रेडी होकर अभी निकल चुके हैं। इसने भी नया नया कुर्ता पहना है और इधर है मेरी मम्मी, पूजा का सामान सारा हमारा रेडी हो चुका है। इधर मेरी मौसी जिन्होंने बाबू को पकड़ा हुआ है और ये काफी खुश है, और पिताजी तो आगे ही निकल चुके होंगे। तो आप चलो अपने दुकान पे चलते हैं और ओपनिंग का क्या कुछ प्रोसेस होता है सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एंड हमारा रूम डेकोरेशन कैसा हुआ है चलो देखते। सबसे पहले तो सभी लोगों को थार में बिठाते हैं और अब मेरे पिताजी भी आ चुके हैं, तो चलो पहले पूजा करते हैं, उसके बाद ओपनिंग करके सेलिंग वेलिंग स्टार्ट करते हैं। और ये देखो हमारा दुकान जो बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसी के बगल पे नेशनल हाईवे यानी कि ये पड़ता है असम सोनितपुर डेक्काजुली टाउन यूको बैंक के सामने, और अपोजिट साइड में एचपी पेट्रोल पंप है। तो चलो दुकान के अंदर चलते हैं और देखो हमारा दुकान कितने अच्छे तरीके से सज चुका है। यूं मान लो हमने इसका लुक रातों रात चेंज कर दिया, क्योंकि पहले कैसा था आपको पता ही है, और अब देखो कैसा लग रहा है जो कि बहुत ही मजा आ रहा है। इधर मेरे मम्मी पापा दोनों ही आके बैठ चुके हैं, तो इधर हमने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले लगाया है, तो इधर पूरा ऊपर के साइड बलून ही बलून लगा दिया है जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए मेरा गोलगप्पा भी काफी खुश हो रहा है। ये भी देख सकते हो ग्रास के ऊपर काफी सारे कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं, तो इधर के साइड ये बड़ा सा बलून का गेट बना दिया है, तो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, काफी अच्छा फीलिंग आ रहा है, और इसे देखने के बाद तो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है। चलो पंडित जी आ चुके हैं, तो मम्मी और पंडित जी ने सारा पूजा का तैयारी कर लिया है, और इधर हम दोनों भी बैठ चुके हैं क्योंकि ये मेरा पहला बिजनेस है। तो मम्मी पापा दोनों ही कहने लगे कि बेटा अच्छी तरीके से पूजा करके सेलिंग स्टार्ट करना, ताकि भगवान के आशीर्वाद हमेशा बने रहे। ओम थान देवता भ्यो नमः, ओम वासुदेवता भ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ओम नमो 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 नमो। ओपनिंग हो गया फाइनली हमारा दुकान का। चलो फाइनली गाइस अपना दुकान का सबसे फुल्ली ओपनिंग हो चुका है। बहुत दिनों से इंतजार था, एक मेरा सपना था कि भाई मेरा भी एक होम टाउन में दुकान हो, तो आज फाइनली वो सपना पूरा हो चुका है। और इस सपने को साकार करने के लिए, मेरे साथ देने के लिए बहुत सारे लोग आए, हमारे रिलेटिव, हमारे क्या बोलते होंगे बड़े वाले की मतलब इसी ना बड़मा, बड़मा मतलब बड़ी मम्मी क्या हो ना वही है, आए बड़े पिताजी आए, हमारे पिताजी सभी लोग आए हैं, तो काफी अच्छा लगा। पंडित जी ने पूजा करके अब चले गए पंडित जी, तो अपने ही दुकान का प्रसाद अभी मैं खा रहा हूँ, ये देखो रसगुल्ला। बैठे बैठे रात हो चुका है और आज ही मेरा दुकान का ओपनिंग हुआ एंड मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया 1 बजे से, मतलब कि अभी हाफ बेला, मतलब मैं पूरी तरीके से यहीं पे बैठा बैठा इसी तरीके से बोर हो चुका हूँ। तो क्यों ना चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज एक दिन में मैंने कितना का सेलिंग किया। चलो आओ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को बताना बनता है। तो चलो अपना धन राशि धन पेटी को खोलते। ओ भाई 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 भाई, ये देखो। वैसे ना मैं आप लोगों को सच कहता हूँ,
अभी ना ऑनलाइन में ज्यादा लोग शिफ्ट हो गए ना, तो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन ही पैसे डालते हैं, तो इसीलिए हमारा क्यूआर कोड भी है यहाँ पर, हम लोगों ने रख दिया है, तो पे करना है तो कर दो भाई। चलो अब पैसा गिनने लगते हैं। ओके सारा पैसा गिन लिया है, तो आज मेरा पूरा हाफ डे का, पूरा भी नहीं हाफ डे का, ओनली फॉर 1 बजे से लेके अभी 9 बज रहे हैं, तो अभी तक का मेरा बिजनेस हुआ है, मतलब काफी अच्छा खासा है भाई। हाफ डे में इतना इनकम कर लिया हम लोगों ने, वैसे अभी यहाँ से प्रॉफिट कितना बचेगा ये सब तो नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, वैसे प्रॉफिट ज्यादा बचेगा भी नहीं, क्योंकि पहला बिजनेस है तो भाई मैंने इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखा है। हाँ धीरे धीरे रख सकते हैं पर उतना ज्यादा नहीं। ओके तो अभी बस स्टार्टिंग है, तो भाई मुझे भी कस्टमर चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर ये, तो उनके साथ तो मतलब मुझे थोड़ा कम ही करना पड़ेगा, वरना फिर भाई दुकान में इतना ज्यादा लेता है तो वो आदमी तो खराब है, चलो अनसब्सक्राइब कर देंगे, नहीं बोलेंगे, इसीलिए भाई कम रखा है प्राइस। ओके आप लोग भी विजिट करो मेरे दुकान पे, कोई भी आता है तो काफी अच्छा लगा, एंड काफी सारे ऐसे ऐसे कस्टमर आए जिनको मतलब कपड़ा वगैरह लेना नहीं था, लेकिन आज मेरा दुकान ओपनिंग है बोल के उन लोगों ने मेरा दिल रखने के लिए भी लिया, तो काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।